नंबर अगला देखते हैं 22। 22 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x-5 रूट। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x-5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर घटा दिया और फिर -5। समझ गए ना, इसको फॉर्मूले पे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 5 9, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे। चलिए तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या जगह, इंटीग्रेशन निकालना है हमें रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 dx का। तो इसके जगह पे मैं ये पुट कर देता हूँ रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे है। चलिए तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है एक्स बाई 2, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 है तो पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना, इसके इसलिए मैं यहाँ पे कोई पुट नहीं करूँगा। तो हो जाएगा एक्स बाई 2, यानी कि एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है ना जी, माइनस है ना जी, यहाँ तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ डी एक्स छूट गया है, माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, यानी कि एक्स प्लस 2 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ होगा एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, यही ना आएगा जी, क्योंकि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 9 बटा में 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, यही ना आएगा, और मोड बंद करके और प्लस में सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, यह इक्वल है, समझ रहे ना। चलिए